हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे यहाँ पर कि आप अपने जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनका जो टाइटल है वो कैसे रख सकते हैं जिससे आपके वीडियोस पर काफी अच्छे व्यूज भी आए और आप अच्छे सब्सक्राइबर्स भी जेन कर पाए। तो पूरी की पूरी वीडियो के अंदर केवल यही बात करूंगा कि यूट्यूब वीडियो का टाइटल कैसे लिखना है, टाइटल कहाँ से लेना है, कैसे लिखना है। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको डालना सिखाऊंगा ताकि आपके व्यूज आए। देखिए, टाइटल केवल डालने से व्यूज नहीं आएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालना पड़ेगा और अगर थर्ड नंबर पर आपको टैग्स भी डालने पड़ेंगे। तो यूट्यूब जो देखता है वो सबसे पहले देखता है टाइटल, उसके बाद में देखता है डिस्क्रिप्शन और उसके बाद में देखता है आपका जो टैग्स वो डाले हैं वो, यानी कि टैग्स जो रिलेटेड है कीवर्ड्स के हिसाब से। तो टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज आपके वीडियो पर व्यूज लाने में मदद करती है। और व्यूज कैसे आएंगे, वीडियो आपका सर्च रिजल्ट्स के अंदर आएगा। तो देख लेते हैं आपका पूरा का पूरा डेटाबेस। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने यहाँ पर यूट्यूब पर। तो यूट्यूब मैंने खोल लिया यहाँ पर। अब आपके वीडियो का टाइटल क्या है, देखिए मैं यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वीडियो है हाउ टू मेक मोटिवेशनल वीडियो ऑन यूट्यूब। तो ये वाला वीडियो मैंने डाल रखा है, इसका सारा सेटअप कर लिया है मैंने, कीवर्ड वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल कैसे सर्च करना है। अभी जैसे मुझे एक टाइटल सर्च करना है, कौन सा टाइटल सर्च करना है, जैसे हाउ टू मेक वीडियोज इन काइनमास्टर, ऐसा सर्च करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं दूसरा टाइटल सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है। देखिए, मैंने यहाँ पर सर्च किया यूट्यूब वीडियो का टाइटल हिंदी में कैसे लिखे, तो ये भी एक यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स आए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग कैसे लिखें, लोग ये सर्च करते हैं मनोज डे, तो ये वाला सर्च कीवर्ड सर्च करते हैं, इस कीवर्ड से काफी सर्च होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं। तो देखे, यूट्यूब मैंने लिखा, YouTube यूट्यूब मैंने लिखा, ये देख सकते हैं यूट्यूब मैंने लिखा। इसके आगे कुछ और आ जाता है ऑटोमेटिकली लिखा हुआ, तो वो देखते हैं वो क्या आता है लिखा हुआ। अभी यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर यूट्यूब, अब देख लिया आपने यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए। इस तरह से आपका कोई भी टॉपिक है वो आप यहाँ पर सर्च करिए, जैसे आपका मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक है तो यहाँ पर मोटिवेशन सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारी ये चीजें आ रही है। तो इनमें से आपको कोई एक चीज ले लेनी है, जैसे मोटिवेशनल वीडियो इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स, ये वाला ले लेना है। और ये वाला लेने के बाद में यहाँ पर आपको लिख लेना है, जैसे मैं यहाँ पर नोटपैड पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ इसको कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने अभी यह वीडियो बनाया तो ये भी मैंने ऐसे ही सर्च करके बनाया। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं मोटिवेशनल वीडियोस इन यूट्यूब। अभी आपको दिखाया था कि सर्च रिजल्ट में आ रहा है मोटिवेशनल वीडियो इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स, ये वाला आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, पहला ऑप्शन तो ये है। और दूसरा ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ, एक एक्सटेंशन आती है ट्यूब बडी एक्सटेंशन आती है, ये गूगल क्रोम के लिए ही है। तो ये ट्यूब बडी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर या पीसी के अंदर, ठीक है। आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर, गूगल क्रोम के अंदर ही है ये ज्यादातर, तो और गूगल क्रोम के लिए ही सूटेबल है। बाकी आप मोजिला में करोगे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी ये एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको साइन अप कर लेना, साइन अप करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये जो टीबी आ रहा है यहाँ पर टीबी पर, इसके बाद में एसईओ एक्सप्लोरर, ये कीवर्ड एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है आपको। कीवर्ड एक्सप्लोरर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, कोई भी कीवर्ड आपको डालना है। जैसे यहाँ पर मोटिवेशन से रिलेटेड कीवर्ड डालूं तो यहाँ पर मोटिवेशन से रिलेटेड कीवर्ड डालूंगा तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जैसा गूगल सर्च बार में आया था वैसा के वैसा ही आने लगेगा। तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये एक पेड एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आपको थोड़े दिनों बाद में ये पेड मांगने लगेगा, मैंने इसको काफी यूज किया है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पेड मांगने लग गया, लेकिन इसके रिलेटेड ये यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स में दिखाएगा आप सभी को। तो यहाँ से भी आप टाइटल फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रिजल्ट भी दिखाएगा कि किस कीवर्ड पर कितना सर्चेबल है, कितना बार सर्च किया जाता है मंथली। ओके, तो इस तरह से टाइटल फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली टाइटल फाइंड करना बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटिवेशनल स्पीच फॉर सक्सेस इन लाइफ, तो यहाँ पर मोटिवेशनल लिखूंगा तो यहाँ पर मोटिवेशनल से रिलेटेड चीजें आ जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स, ये वाला टाइटल मैंने सर्च कर लिया। तो ट्यूब बड़ी एक्सटेंशन अगर आप डाल के रखोगे तो ये वाला साइड में दे रखा कितना कॉम्पिटिशन है इस कीवर्ड पर, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा। फिलहाल इस कीवर्ड को कॉपी कर लीजिएगा और आप अपने जो टाइटल डालना चाहते हैं वहां पर डाल दीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर डाला है हाउ टू मेक एजुकेशनल वीडियोज, हाउ टू मेक मोटिवेशनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, और दो कीवर्ड डाले हैं, एक तो सोनू शर्मा अपने वीडियोज कैसे बनाते हैं और हाउ टू मेक
यूट्यूब वीडियोज, ओके हाउ टू मेक मोटिवेशनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, ये वाले डाल दिए। इसके अलावा थोड़े हाउ टू मेक, हाउ टू क्रिएट, ये वाले डाल देने ताकि एक रिलेटेड चीज लगे और SEO के अंदर काफी अच्छा फील हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप टाइटल लिख सकते हैं और डेफिनेटली आपके इस तरह से व्यूज डेफिनेटली आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।